दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन ए फ्री ऑनलाइन कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। प्यारे साथियों, आज अपनी इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्सेल में किसी फाइल को सेव कैसे किया जाता है, या कोई फाइल सेव है तो उसको ओपन कैसे करते हैं और क्लोज कैसे किया जाता है। तो आइए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्सेल में किसी फाइल को सेव कैसे करते हैं। तो यदि आप एक्सेल में ऊपर की ओर लेफ्ट साइड में ध्यान देंगे तो आपको फाइल का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे ही इस फाइल के ऑप्शन पर क्लिक किया जाता है, क्लिक करते ही एक इस तरह का पेज आपको दिखाई देने लगेगा। अब यहाँ पर किसी फाइल को सेव करने के लिए कई ऑप्शन दिए हुए हैं। फिलहाल हम ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और जैसे ही आप ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एक इस तरह का बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। यह बॉक्स डायरेक्टली आपको डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन में लेकर जाएगा, लेकिन फिलहाल हम अपनी इस फाइल को डॉक्यूमेंट में न सेव करके किसी दूसरे स्थान पर सेव करते हैं। तो इसके लिए हम डेस्कटॉप के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। मैं यह चाहता हूं कि यह जो फाइल है मेरे डेस्कटॉप पर किसी फोल्डर में सेव कर दिया जाए। तो जैसे ही हम डेस्कटॉप के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और राइट साइड में स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे खिसकाते हैं तो एक फोल्डर हमने बना रखा है जो कि हमारे डेस्कटॉप पर है MS Excel के नाम से। हम अपने इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। अब जैसे ही यह फोल्डर ओपन हो जाता है, नीचे की ओर जो बुक वन लिखा हुआ है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का डिफॉल्ट ऑप्शन होता है, हम इसको चेंज कर देते हैं और यहाँ पर अपनी फाइल का नाम रितेश कुमार उपाध्याय लिखकर और नीचे सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी इस फाइल को सेव कर देते हैं। जैसे ही यह फाइल सेव होती है, ऊपर की ओर बीच में जहाँ की पहले बुक वन दिखाई दे रहा था, अब चेंज होकर हमारा नाम सो हो रहा है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आप एक्सेल की किसी फाइल को जिस नाम से सेव करेंगे, एक्सेल की इस विंडो में ऊपर की ओर बीच में आपका वही नाम दिखाई देगा। आइए अब समझते हैं कि एक्सेल की किसी फाइल को क्लोज कैसे किया जाता है। तो इसके लिए इस विंडो के ऊपर में राइट साइड में आपको क्रॉस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इस क्रॉस के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यह फाइल क्लोज हो जाती है। दोस्तों, अब समझते हैं कि जब हमने अपनी फाइल को सेव कर लिया है तो उस सेव हुई फाइल को हम दोबारा कैसे ओपन करेंगे। तो इसके लिए डेस्कटॉप पर आपको वह फोल्डर दिखाई दे रहा होगा जिसमें मैंने अभी एक्सेल की फाइल को सेव किया हुआ था। हम इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। अब एक्सेल की वह फाइल जिसका नाम मैंने रितेश कुमार उपाध्याय रखा हुआ था, वह आपको दिख रहा होगा। हम यहाँ पर जाकर अपनी उस फाइल पर डबल क्लिक कर देते हैं और जैसे ही यह फाइल डबल क्लिक की जाती है, यह दोबारा ओपन हो जाता है। दोस्तों, मान लीजिए आप किसी फाइल के ऊपर कार्य कर रहे हैं, एक्सेल की कोई फाइल आपने ओपन करके रखी है और उसी दौरान आपको आवश्यकता पड़ जाती है कि एक और नई एक्सेल की फाइल बनाई जाए, तो क्या किया जाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए इस विंडो के ऊपर में लेफ्ट साइड में फाइल का जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, वहां पर आपको क्लिक करना होगा और जैसे ही आप वहां पर क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो दिखाई देने लगेगी। अब यहां पर जो न्यू का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस न्यू के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहां पर विंडो कुछ इस तरह से आपको नजर आएगी। इसमें पहला ऑप्शन है ब्लैंक वर्कबुक। अब हम इस ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करते हैं और जैसे ही ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक नया वर्कबुक ओपन हो गया है। एक एक्सेल की नई विंडो आपको दिखाई दे रही है जिसका नाम बुक 2 लिखा हुआ है। दोस्तों, अभी हमने जिस एक्सेल की फाइल को जिसका नाम रितेश कुमार उपाध्याय हमने रखा था, एक बार उसको क्लोज करते हैं। तो
यह रितेश कुमार उपाध्याय की जो फाइल बनी हुई थी एक्सेल की, यह फाइल अब आपको दिखाई दे रही है। इस फाइल को हमने क्लोज कर दिया। ऐसा हमने क्यों किया है, आइए अब हम इसको समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम किसी नई फाइल पर कार्य कर रहे हैं और हमें आवश्यकता होती है कि हमने कोई पुरानी फाइल अपने कंप्यूटर में किसी जगह पर सेव करके रखी हुई है, तो हम उस फाइल को काम करते हुए ही कैसे ओपन कर सकते हैं, यानी किसी ऐसी फाइल को जो पहले से हमारे कंप्यूटर में सेव है उसको ओपन करने का यह एक दूसरा तरीका है। वह क्या है, आइए समझते हैं। एक्सेल की इस विंडो में ऊपर की ओर लेफ्ट साइड में जो फाइल का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करते हैं और जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे पुनः इस तरह का लुक आपको दिखाई देने लगेगा। अब यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, ओपन लिखा हुआ। इस ओपन के ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही आप इस ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, पहला ऑप्शन रिसेंट शो कर रहा है। यहाँ लेटेस्ट जो हमने फाइल को सेव किया हुआ है वह आपको शो हो रहा होगा, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर क्लिक करके इस फाइल को ओपन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो फाइल खोलनी है वह फाइल रिसेंटली ना सेव करके पहले से सेव किए हों, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, तो इसके लिए यह जो ब्राउज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे नई विंडो ओपन हो जाएगी। अब आपने जहां भी एक्सेल की उस फाइल को आपने सेव करके रखा है वहां पर आप सर्च करके और उस फाइल को सेलेक्ट करके ओपन पर क्लिक कर सकते हैं, और जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करेंगे यह फाइल आपके सामने खुल जाएगी। दोस्तों यहां पर एक महत्वपूर्ण जानकारी देना और जरूरी समझता हूं। जैसे मान लीजिए आप किसी फाइल के ऊपर कार्य कर रहे हैं और कार्य करने के दौरान ही यदि इस फाइल को बिना सेव किए हुए क्लोज किया जाता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है, तो जैसे ही हम क्लोज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही एक ऐसा मैसेज बॉक्स आपको दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर तीन ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन सेव का है, दूसरा ऑप्शन है डोंट सेव का। यानी यदि हम इस डोंट सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यह जो फाइल बनी हुई है तो यह फाइल बिना सेव हुए बंद हो जाएगी। यहाँ तीसरा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कैंसिल का। यानी यदि हम इस कैंसिल की बटन पर क्लिक करते हैं तो यह फाइल में कोई बदलाव नहीं होगा, एज वेल एज आपके सामने यह जो एक्सेल का विंडो है वो आपको दिखता रहेगा, यानी आप आगे कार्य जारी रख सकते हैं। और यह जो पहला ऑप्शन सेव का आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ही इस सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिखने लगेगा। अब आप जहां भी इस एक्सेल की फाइल को सेव करना चाहते हैं अपनी इस फाइल को, जैसे मैंने पहले बताया है उस हिसाब से आप सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह जो जानकारी है आपके लिए उपयोगी रही होगी। दोस्तों यदि आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जानकारी से अपडेट रहना चाहते हैं तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जैसे ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं साथ में बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। इसका फायदा यह होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई नई वीडियो पोस्ट होगी तो उसका एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट के जरिए आप हमें जरूर बताएं कि यह जो जानकारी है आपको कैसी लगी। एक चीज और कहूंगा, बेहतर होगा कि आप अपने दोस्तों के साथ अपने साथियों के साथ इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर करें। आपने हमें अपना कीमती समय दिया है, इसके लिए मैं दिल से आपका आभारी हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।